हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज़ याद करनी है। ये क्या है? आपको अल्फ़ाबेट्स और उनके नंबर्स याद करने हैं कि जैसे ए, अल्फ़ाबेट ए जो है वो किस नंबर पे आता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है। मैं पूछती हूँ क्यू कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू 17 नंबर पे आता है। अगर आपको ये टेबल याद है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले अपनी जो आप एग्जाम में बैठेंगे अपनी शीट के ऊपर, रफ शीट के ऊपर ये टेबल बना लेना है, अल्फ़ाबेट लिख के उनके ऊपर उनके नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कोडिंग डिकोडिंग में, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है ओ, ओ के सामने लिखा है यू, फिर हमें गिवन में क्या है जो हमें सॉल्व करना है, आई, आई के साथ क्या आएगा वो हमें यहाँ बताना है। ओ, ओ के साथ क्या लिखा हुआ है, यू। अब ओ ये है और यू ये है, ठीक है। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15, और यू कितने नंबर पे आता है हमारा, 21 पे। अब इनके बीच कितना गैप, कितना है इनके बीच का गैप है 6। तो आई और जो यहाँ नंबर, जो यहाँ अल्फाबेट होगा उनके बीच में भी 6 गैप होना चाहिए। आई के बाद आई, जे के एल एम एन यानी कि ओ, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा ओ, ओ और ये जो ओ है वो आई से 6 नंबर आ गया, ठीक है। टू, मास्टर्स लिखा हुआ है इस कोड में और हमें हार्मोट को लिखना है, यहाँ पर हमें बनाना है क्या आएगा। अभी देखिए, M, M को पहले T से कंपेयर करेंगे, M को हम T से कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर आ गया है। हमेशा याद रखना कोडिंग डिकोडिंग में कि जो गैप हो ना मैक्सिमम वो 6 तक जाता है, 6 के बाद अगर वो जा रहा है 7, 8, 9, 10 तो वो यानी कि क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि वो क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। कैसे? अब ये तो देखिए 6 से ज़्यादा है ना, 6 को ही देखना है हमने, 6 से ज़्यादा है तो 7 पे है, तो हमें इसको और लास्ट वाले को देखेंगे, M N O, दो का फर्क है सिर्फ। फिर A को सेकंड लास्ट से देखेंगे, A B C, यहाँ भी दो का फर्क है, S T U, दो का फर्क है, टी यू वी दो का फर्क है, एफ जी दो का फर्क है, एस टी दो का फर्क है, यानी कि सभी में दो दो का फर्क है, लेकिन पहले से पहला नहीं, पहले से आखिरी, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, इस तरीके से। तो यहां पर भी ये होगा। अब ये एच है तो यहां लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, यहां ए था यहां सी था, यहां भी ए है तो यहां भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, R, R के बाद दो, T, M, M के बाद O, O, Q, V। तो हमारी जो यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा V, Q, O, T, C, J, फाइन। उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां लिखा है फिल्म, उसका एक यहां पर हमें दे दिया है कोड, यहाँ नॉर्मल लिखा है, यहाँ का हमें बताना है। अब इसको देखेंगे, अब ये क्या, देखिए इसको इससे करते हैं, अगर हम ई, जो ई है ये पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अगर माइनस वन करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा, यानी कि माइनस वन अगर करेंगे तो एफ आ जाएगा। आई जे के यानी कि प्लस टू करेंगे तो ये आ जाएगा। आई जे के एल यानी कि माइनस थ्री हुआ यहाँ पर, ए बी सी डी E, यानी कि प्लस फोर हुआ, H I J K L M यानी कि यहाँ माइनस फाइव हुआ। अब प्लस माइनस वन, प्लस टू, माइनस थ्री, प्लस फोर, माइनस फाइव, एक प्लस में हो रहा है एक माइनस में हो रहा है, सेम चीज हमें यहाँ अप्लाई कर देनी है। अब N से एक माइनस होगा, अगर ये टेबल याद है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व, नहीं है तो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा, M, M N माइनस वन हो गया, O के बाद यहाँ ये माइनस वन होगा, ये माइनस, ये प्लस टू होगा, ये माइनस थ्री, प्लस फोर, माइनस फाइव, प्लस सिक्स, इस तरीके से होगा। अब O में टू ऐड कर दो, O में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q, R से थ्री माइनस कर दो, R से एक दो तीन यानी कि O, M में चार प्लस कर दो, वन टू थ्री फोर यानी कि Q,
ए से 5 माइनस कर दो, ए से क्या माइनस होगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. एल में 6 प्लस कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या हो जाएगा आर. ये हमारे नॉर्मल का आंसर आ गया, यही हमारा उसमें ऑप्शन में जो होगा यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा. ओ